हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड एडजेक्टिव्स, सिक्स्थ चैप्टर, एडजेक्टिव्स ऑफ थर्ड क्लास। ओके, एडजेक्टिव वर्ड वो होता है जो किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में हमें कोई विशेष चीज़ बताता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी होती है या क्वांटिटी बताता है। समटाइम्स जो मतलब मीन्स इसमें बहुत सब एडजेक्टिव बहुत टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, इंटरोगेटिव, तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जो दिए होते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो विशेषता होती है, कोई क्वालिटी होती है, गुण होता है, बताया जाता है किसी चीज़ के बारे में, किसी थिंग के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कि वो किस टाइप का है, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। ओके, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स। वो नाउन्स के बारे में, नाउन्स की क्वालिटी, नाउन्स की क्वांटिटी, तो नाउन्स के बारे में उनकी मात्रा, ठीक है, और विशेषता बताते हैं। तो दे आर ऑल डिस्क्राइबिंग, वो डिस्क्राइब वर्ड करते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं किसी बुक के बारे में, किसी चीज़ की शेप के बारे में, साइज के बारे में, नंबर के बारे में, ठीक है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब द कलर, कलर किसी चीज़ का, क्वालिटी, विशेषता, शेप, उसकी साइज, शेप कैसी है और साइज कैसा है, स्मॉल है, ठीक है, बिग है, नंबर कितनी है, जैसे 3 स्टूडेंट्स हैं, इस प्रकार जो नंबर होते हैं, एनिमल्स और थिंग्स। तो ये जो वर्ड्स आती हैं जो क्वालिटी किसी चीज़ की डिस्क्राइब करते हैं, कलर करते हैं, शेप, साइज, नंबर, तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं एंड वी कॉल इट एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, द रोज इज रेड, तो इसमें कलर बता रहा है, ठीक है, रोज का जो कलर है रेड है। दिस इज एन ओल्ड लेडी, कि ये जो लेडी है वो ओल्ड है, किस प्रकार की लेडी है, ओल्ड है, ठीक है। तो द अर्थ इज राउंड, तो अर्थ जो है क्या है, राउंड है, तो शेप बताइए इसमें। एंड द एलिफेंट इज बिग, इसमें साइज बताया कि जो एलिफेंट है वो बिग है, तो यहाँ पे बिग क्या है, एडजेक्टिव है। शी हैज 4 बैलून्स, यहाँ पे नंबर बताया हुआ है, नंबर नंबर ऑफ एडजेक्टिव है यहाँ पे ये, कि कितने बैलून्स उसके पास। शी हैज मच मनी, तो यहाँ पे क्वान्टिटी बताई गई है, ठीक है, कितनी मात्रा में उसके पास मनी है, ठीक है, मच मनी। तो ये वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव हैं। इन द अबव सेंटेंसेस द कलर वर्ड्स आर एडजेक्टिव एज आई टोल्ड यू, तो ये हमने बात मैंने आपको बताई दिया कि क्या चीज़ किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो ये हमें ये रीड करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एडजेक्टिव्स कैन कम बिफोर एज वेल एज आफ्टर द नाउन, एडजेक्टिव्स नाउन से पहले भी आ सकते हैं, उसके बाद में भी आ सकती हैं। These are beautiful flowers before the noun, यहाँ पे देखो noun से पहले आया हुआ है beautiful, कि किस प्रकार का फ्लावर है ये, beautiful, beautiful है, सुंदर है, विशेषता है उसकी। These flowers are beautiful, और ये flowers noun, ठीक है, subject के according आ गया noun, ठीक है, तो यहाँ पे beautiful है जो noun के बाद में, noun क्या है यहाँ पे, flowers, ठीक है, तो उसके बाद में आया। तो likewise adjective can be come before noun and after noun. Read the following sentences and note down the uses of adjective. अब हम इन sentences को क्या करेंगे, read करेंगे और note down करेंगे कि इसमें adjectives कौन से हैं। Martha loves to eat sweet honey. तो honey किस प्रकार का honey, वो देखो eat verb है हमारी, लव्स भी वर्ब है, मार्था नाउन है, तो हनी भी नाउन है, ठीक है, तो यह जो यहाँ पे स्वीट है तो वो क्या है, एडजेक्टिव है, किस प्रकार का हनी उसे पसंद है, वैसे हनी होता ही स्वीट है, तो स्वीट हनी। द यंग बॉय रेन वेरी स्लोली, तो बॉय कौन सा है, यंग, ठीक है। देर इज अ मच वाटर इन द पॉन्ड, तो यहाँ पे मच, देर आर मैनी पार्क्स, नंबर आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव। There are 8 planets, यहाँ पे भी number. There are 5 oceans on the earth, यहाँ पे भी number, adjective number. The children are keeping quiet, quiet यहाँ पे क्या है, विशेषता है। And John's handwriting is neat,
नीट भी यहाँ पे विशेषता की जो उनकी राइटिंग क्या नीट है, क्लीन है, ठीक है। तो ये जो विशेषता बता रहे हैं किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन के बारे में या फिर फ्लावर के बारे में या फिर हैंड राइटिंग के बारे में, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। वी वियर कलरफुल क्लॉथ्स ऑन फेस्टिवल, तो किस प्रकार के, ठीक है, तो किस प्रकार के कलरफुल क्लॉथ्स। डॉल्फिन इज अ प्लेफुल एनिमल, किस प्रकार की एनिमल है, प्लेफुल है, तो ये भी क्या डिस्क्राइब किया उसके बारे में, तो ये एडजेक्टिव है। ओके, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो डिग्रीज जो होती है थ्री थ्री टाइप्स होते हैं डिग्री के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, पॉजिटिव डिग्री सिंपल जो फॉर्म होती है एडजेक्टिव की उसमें होती है, ठीक है, स्टेटमेंट होती है, किसी चीज की विशेषता बताई जाती है। और कंपैरेटिव डिग्री में जब हम दो थिंग्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, टू थिंग्स को कंपेयर करते हैं, बट इन सुपरलेटिव, जब जब हम के ग्रुप में, किसी ग्रुप में मतलब काफी काफी थिंग्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री जिसमें एक विशेषता सिंपल फॉर्म बताई जाती है एडजेक्टिव की, सिंपल फॉर्म होती है, और कंपेरेटिव में जब टू थिंग्स को, टू पर्संस को, टू क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, एंड सुपरलेटिव डिग्री में एक से टू से ज्यादा जो ग्रुप में कंपेयर कर लेते हैं, तो उसे हम ऑल द थिंग्स में कंपेयर कर लेते हैं, तो उसे हम कंपेरेटिव डिग्री। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव टॉल इज इन पॉजिटिव डिग्री, टॉल पॉजिटिव डिग्री में है, टॉलर कंपेरेटिव डिग्री में है, और टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। डिग्रीज की फॉर्म्स हम कल रीड करेंगे। थैंक यू।